अगर दोस्तों आप लोग इंडिया के अंदर यहाँ पर पोको M3 Pro 5G डिवाइस यूज करते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज लेके आए, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर एक नया अपडेट देखने को मिलने वाला है। इस अपडेट के बारे में आप सभी को हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोग पोको M3 Pro 5G यूज रहे तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा अमित और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोगों में से मेरे डेली व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के आजकल लाइक्स भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक्स करिए यार। आप लोगों का लाइक्स करने से और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आप लोगों को भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर हमने पोको M3 Pro 5G के लिए OTA अपडेट का जो लिंक है वो दे दिया है, आप लोग वहां से भी जाके अपडेट या डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको अपडेट देखने को नहीं मिला। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोको M3 Pro 5G यूजर है उन सभी को बता दूं, उनके लिए एक नया अपडेट आज रिलीज कर दिया गया इंडिया के अंदर। काफी अपडेट यहाँ पर ठीक ठाक है, इतना अच्छा खासा अपडेट देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे MIUI 12.5 का, पर वो तो अपडेट हमें अभी देखते हैं वो नहीं मिला है। पर एक न्यू अपडेट रिलीज कर दिया, सिक्योरिटी पैच का अपडेट है जो कि यहाँ पर आप सभी को बता दूं, इसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.0.5.0। ठीक है, ये अपडेट वर्जन है यहाँ पर इंडिया के अंदर, इसको स्टेबल अपडेट को रिलीज करा गया है। कोई यहाँ पर पार्शियली रिलीज हुए, कुछ यहाँ पर लगभग 60-70% यूजर्स को अपडेट मिल गया है। जिनको अपडेट नहीं मिला है आप लोग यहाँ पर लिंक के जरिए भी अपडेट कर सकते हैं जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा हुआ है। और दोस्तों आपसे बता दूं कि इस अपडेट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर लेटेस्ट देना चाहिए, कम से कम अगस्त का सिक्योरिटी पैच दे देते जो कि अच्छा रह जाता है, क्योंकि अगस्त एंड होने वाला है तो अगस्त का सिक्योरिटी पैच देना चाहिए था। पर यहाँ पर जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट प्रोवाइड करा गया यहाँ पर शाओमी वालों की तरफ से पोको M3 Pro 5G यूजर्स के लिए। बस ये जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया है और इनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी, तो बस यही कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। अब रहेगी बात यहाँ पर MIUI 12.5 के बारे में, तो ये जो अपडेट है आप सभी को सितंबर एंड में या अक्टूबर मिड तक यहाँ पर जो अपडेट है पोको M3 Pro 5G यूजर्स, यानी जो पोको M3 Pro 5G यूजर्स है उनको ज्यादातर जो चांसेस है MIUI 12.5 जो अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर अक्टूबर के मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको लोग इतना वेट करना पड़ेगा क्योंकि पोको M3 Pro अभी लेटेस्ट डिवाइस है, इसके अंदर यहाँ पर Xiaomi इतनी जल्दी अपडेट प्रोवाइड करने नहीं वाली है। रेडमी इसके डिवाइसेज के अंदर अपडेट आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाता है, पर पोको M3 Pro जो 5G है उसके लिए आप सभी को थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। आप सभी को जो अपडेट है अक्टूबर के महीने तक जरूर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों के डिवाइस के अंदर जो ये नया अपडेट आया हुआ है जाके जल्दी से अपडेट कर लीजिए। कुछ यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, कुछ यहाँ पर आपके बग्स वगैरह हो गए डिवाइसेस के अंदर तो उसको फिक्स कर दिएगा। अगर आप लोगों को अपडेट नहीं मिला तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और अपडेट मिल गया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हमने वीडियो लाइक कर रखा है 50 लाइक्स का, जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए और साथ में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।